हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ दही आलू की सब्जी, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है और कम मसाले में बनती है, झटपट बन जाती है। तो यहाँ पे मैं एक कटोरी दही ली हूँ, ये घर की दही है और ना ज़्यादा खट्टी है ना ही मीठी है। और यहाँ पे ली हूँ 8-9 आलू, ये बॉईल किया हुआ आलू है, एक सीटी लगाई हूँ बस, ज़्यादा नहीं, नहीं तो ये सब्ज़ी में जाने के बाद, मसाले में जाने के बाद ये चोखा बन जाएगी। तो सिर्फ एक सीटी लगाई हूँ और छिलका उतार ली हूँ। तो अब इसे पीस पीस में कट कर लेती हूँ। ये मीडियम साइज़ की है, अगर छोटी वाली होती तो इसको कट करने की ज़रूरत नहीं थी। तो मैं सभी आलू को कट कर ली हूँ और अब दही में मैं कुछ मसाले ऐड करूँगी। तो जो भी सब्ज़ी में मसाले जाएंगे वो सारे मैं इसमें दही में ही मिक्स कर लूँगी। तो आधी छोटी चम्मच हल्दी रखी हूँ, एक चम्मच धनिया पाउडर और आधी छोटी चम्मच मिर्च पाउडर। और अब इन मसालों को दही में बढ़िया से मिक्स कर लूँगी मैं। कच्चे आलू से भी बना सकते हैं और पर मैं यहाँ पे बॉईल किया हुआ आलू से बना रही हूँ, जल्दी बन जाती है। तो मसाले को दही में अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। तो चलिए अब सब्ज़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ, तेल को बढ़िया से गर्म होने देते हैं। तो तेल गर्म हो गई है तो एक चम्मच जीरा रखी हूँ और चुटकी भर हींग ले रही हूँ। देख सकते हैं जीरा चटक गई है। तो अब एक चम्मच बारीक चॉप किया हुआ अदरक, एक चम्मच बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 2-3 हरी मिर्च बारीक चॉप करके ले रही हूँ। और इन सबको बस थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा ब्राउन हो जाए, कलर चेंज हो जाए उतना। अब एक प्याज को बारीक बारीक चॉप करके लिया है, वो रख रही हूँ और इसे भी बस हल्का सा भूनना है, प्याज थोड़े सॉफ्ट हो जाए उतना ही। तो देख सकते हैं प्याज भून चुकी है। तो अब इस टाइम पे जो दही में हमने सारे मसाले मिक्स किए हैं वो रखूँगी और गैस का फ्लेम हाई कर दूँगी। और हाई फ्लेम पे इसे कंटिन्यू हमें चलाते रहना है, तब तक जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए इसमें। और नमक अभी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, नमक मैं सब्ज़ी में लास्ट में ऐड करूँगी। तो कंटिन्यू इसे हम चलाते रहेंगे। तो देख सकते हैं मसाले में बॉईल आ गई है और मसाला भुन भी गई है, देख सकते हैं तेल ऊपर आ गई है। तो थोड़ी देर के लिए और इसे भून लेती हूँ। और अब इसमें मैं आलू मिक्स करूँगी, मसाला बढ़िया से भुन गई है तो अब आलू रख देती हूँ। तो मसाले में बढ़िया से आलू को मिक्स कर ली हूँ और अब रखूँगी नमक। तो यहाँ पे मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक रख रही हूँ और अब रखूँगी आधी छोटी चम्मच गरम मसाला और इन सब को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं, रोटी के साथ, पराठे के साथ, सूखी सब्ज़ी बना के, पर मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी थोड़ी ग्रेवी बनाने के लिए। तो जिस बाउल से हमने दही लिया था उसी बाउल से एक बाउल पानी रख रही हूँ। अब इसे मीडियम फ्लेम पे 6-7 मिनट तक कुक होने देते हैं। आलू तो बॉईल किया हुआ है, आलू को कुक नहीं करना है, पर ग्रेवी को गाढ़ी करनी है। तो 6-7 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हैं ग्रेवी बिल्कुल गाढ़ी हो गई है और सब्जी का कलर भी आप देख सकते हैं। ये सब्जी रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है और बहुत कम टाइम में, कम मसाले में ये सब्जी बनती है, पर खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तो अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं अभी ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया रख देती हूँ। तो सब्जी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।